नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एच न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के लिए महानगर पालिका के अधिकारियों ने पैसे लेकर भी 6 मंजिला इमारत पर कार्रवाई की। इमारत के बिल्डर मुन्ना सिंह ने संबंधित अधिकारियों पर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाया है, तो वहीं आयुक्त ने इस मामले की जाँच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि बीते सप्ताह कल्याण से सटे दावड़ी गांव में डीपी रास्ते में बनी एक अवैध बिल्डिंग पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने तोड़फोड़ कार्रवाई की थी, लेकिन मनपा की यह कार्रवाई विवादों में घिर गई है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर मुन्ना सिंह का आरोप है कि बिल्डिंग पर कार्रवाई न करने के लिए संबंधित अधिकारियों ने उनसे लाखों रुपए वसूले हैं। बिल्डर और अधिकारियों के बीच लेन देन की बात एक होटल में हुई थी। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मेरी एक दावड़ी में साइट चालू थी, मैंने 2018 में चालू किया, तो कुछ अधिकारी लोग ने पैसा लिया मेरे से, उसके बाद में एक बार तोड़ा, तोड़ने के बाद में वापस बोला हमको पैसा दो, हमने वापस पैसा दिया। साईं प्रसाद होटल में बुला के दीपक सिंधे जी और अनंत कदम दोनों जन मेरे से पहले 12 तारीख को उन लोगों ने मीटिंग किया, दीपक सिंधे जी ने, मेरे पास उसका भी एविडेंस है। फिर इसके बाद में 24 तारीख को बुलाया शिव प्रसाद होटल कल्याण में, 1-1 लाख का पैकेट दोनों जन ने लिया, और इसके बाद में माननीय कमिश्नर साहब के नाम पे 25 लाख रुपया लिया, जो मुझे बोला कि गाड़ी में रख दो, अर्टिका गाड़ी, गाड़ी नंबर MH05B DB2473 अर्टिका गाड़ी में साईं प्रसाद होटल के आगे ले जाके उन लोगों ने बोला गाड़ी में रख दो पैसा। मैंने उन लोगों को 25 लाख माननीय कमिश्नर साहब के नाम पे दिया है, कमिश्नर साहब के नाम पे दिया है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने गलती किया, मेरा 5 मंजिला बिल्डिंग बन गया था, इन लोग बीच बीच में पैसा मांगते थे, एक बार और तोड़े थे, पैसा मांगे, फिर दीपक सिंधे जी ने मेरे को 3 बार बुलाया और उन्होंने बोला कि माननीय कमिश्नर साहब को पैसा मैं दे दूंगा 25 लाख, तो आपकी बिल्डिंग बच जाएगी। मैंने उनको 25 लाख दे दिया, मांगा गया था 50 लाख, ये इंस्टॉलमेंट गया है 25 लाख का। इसके बाद में मुझे 3 दिन पहले सिंधे साहब का फ़ोन आता है कि आप जो है आके मिलो, मैं बोला मैं कुछ काम में हूँ, वापस गया मिला, उनके वार्ड ऑफिस ऑफिस के बाजू में गया जहाँ वो बैठते हैं, उन्होंने बोला कि 25 लाख का इंस्टॉलमेंट दे दो नहीं तो आपकी बिल्डिंग पे कार्रवाई हो जाएगा, 2 दिन पहले बुलाए थे, 2 या 3 दिन पहले मुझे फिर मांगे। मतलब साहब मेरे पास पैसा नहीं है, आपने मुझे 1.5 महीने का टाइम दिया था, वो 1.5 महीने के अंदर में ही मैं दूंगा पैसा, और नहीं दिया इसलिए मेरे बिल्डिंग पे कार्रवाई हुआ। KDMC के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। याबाबत तर माझ्याकडे कोणती तक्रार प्राप्त नाही, ही अनधिकृत बिल्डिंग होती आणि त्याच्यामुळे तिथे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते। जर याच्यामध्ये काही कोणाची तक्रार असेल तर त्या तक्रारीची छाननीशा करून दोषी कोणी आढळले तर त्याच्यावरती कारवाई केली जाईल। इस खबर से KDMC फिर एक बार विवादों में घिर गई है। बिल्डर मुन्ना सिंह द्वारा किए खुलासे के बाद संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो यदि मेरी आज की खबर इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।